माइक लीजिए, नजदीक आओ बहन। कहाँ से आई हैं? मौजपुर से। हैं? मौजपुर दिल्ली। कहाँ पढ़ता है ये? दिल्ली में ही पढ़ता है। दिल्ली में ही पढ़ता है। यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं जी। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता? आपकी महिमा। हाँ, पूछो, प्रश्न क्या है? ये मेरा बच्चा है। नाम? विराट। विराट। हाँ, क्या हो गया है? 3 साल तक चलता था, उसके बाद चलने में दिक्कत होने लगी जी। और कोई बात? और कुछ? बालक को दिक्कत है, पर्चा पढ़िए, ना समझ में आए टोकना है, चल नहीं पाता है, जन्म के बाद से नसें अकड़ रही हैं, वह ब्रेन में दिक्कत भी हो रही है, ब्रेन भी इसका कमजोर हो रहा है, जिससे झटका आते हैं, झटका बीच बीच में बनते हैं। विराट नाम है, पूर्ण कृपा होगी बेटे पर, समय लगेगा, आशीर्वाद। बालाजी महाराज की जय। रोइए मत बहन, यही लिखा है? हां जी। यही लिखा है? गलत तो नहीं आप पढ़ रही हैं? बराबर? कोई दोष तो नहीं है? ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे सबसे नीचे वाले मंत्र को, और कोई भूत बाधा नहीं है, इसको रेशों की बीमारी बनी है, नसें घुलने की बीमारी होती है, जिसमें हड्डी घुलती है, नसें घुलती हैं, वही बालक को दिक्कत हो गई है। समय लगेगा, कृपा होगी, पर समय लगेगा बहन। डॉक्टरी सलाह भी बीच बीच में लेते रहिएगा, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करना है। कोई तंत्र नहीं किया, ना इन चक्रों में पड़ो, ना कोई भूत बाधा की है, ना हमारी कोई जांच में भूत बाधा आई है, और आपके घर पर कोई पूर्वज पितृ दोष भी नहीं है। आशीर्वाद। खुश रहो। बोलो सीताराम। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की। मन में सभी राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। यहाँ एक बालक चंगीलाल की दप्ती लिए बैठा है, उनके साथ में जो दोनों आ जाओ। छोटा सा सरदार जी का बच्चा चंगीलाल की दप्ती लिए बैठा है, छोटा सरदार लेकिन बड़ा असरदार। थोड़ा जल्दी आओ, है ना? आजकल चंगीलाल बनबे को बड़ो शौक है। जय श्री कृष्ण। माइक चालू करो, ये बोलो, बोलो माँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली से आई हूँ, वैसे हम वृंदा मथुरा के पास के हैं। अब तो मैं बोल भी नहीं पा रही क्योंकि मैंने ठाकुर जी को चैलेंज किया था कि अगर मेरी अर्जी लगनी है ना तो तुम मुझसे प्यार, ठाकुर जी नहीं लगाई है ना मैंने कहा अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी अर्जी लगाओगे, आपकी मर्जी है, बस मतलब मैं झगड़ा करके आई हूँ भगवान से झगड़ा अभी भी मुझे यहाँ से निकाल रहे थे तो मैं गुस्से में जाने लगी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहा बहन माँ जी मैं जा रही हूँ बस। बताओ, ये ठाकुर जी से झगड़ा करके आई थी अर्जी के लिए, ऐसे भी कोई अर्जी लगवाता है क्या? पति ने भी बोला कि आप जा रहे हो, ठाकुर जी को मानती हो, मतलब मुझे नहीं पता, बस इतना आज मुझे विश्वास हो गया ठाकुर जी मुझे प्यार करते हैं बस। वाह, जय हो। आओ बहन, नजदीक आ जाओ, बोलो क्या बात है? मेरे एक तो परिवार में सब बीमार रहते हैं, मेरे पति को भी दिक्कत है, पुत्र को, बड़े वाले को कमर में दिक्कत है, छोटे वाले को आंखों में दिक्कत है, मतलब दिक्कत बनी रहती है बहुत ज़्यादा, और बस बड़ मुझे लगता है कि बच्चे पढ़े अच्छे से, भगवान उन पे अपनी कृपा बनाए रखे, पति पति का भी काम चले। पेट सिर में पीड़ा बनती है, घर में दिक्कत बनती है, आए दिन बीमारी बनी हुई है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, पितृ दोष का कारण है, बच्चे की आंख की रोशनी घट रही है, रेटिना की दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, रेटिना की दिक्कत बताई है, विगत 8 साल पूर्व की यह बात है।
आराम लग जाएगा, पूर्ण कृपा होगी, पति का बिजनेस तेज चलेगा, दर्शन करवा देना, ठाकुर भक्ति बड़े आशीर्वाद। मेरी बहन को भी आशीर्वाद दो, मेरी बहन आरती है, उसने बोला है कि मुझे भी बस ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, उसको खुश रहे, उसको भी आशीर्वाद दे दो बस। और बड़े बेटा भी मेरा ठीक हो जाए, उसके बहुत दर्द होता है कमर में, वो जब लंगड़ा लाना उसे, मैं उसको धाम पे लेके आऊंगी जी। और आप भी पधारना, हम कवच दे देंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बस मेरी ठाकुर जी से यही बोलो वो मुझे, मैं बता नहीं सकती, जब मुझे दिक्कत होती है तो मुझे किस तरह संभालते हैं आके। वाह, आज मैं घबरा रही थी कि हनुमान जी, मैं धर्म संकट में थी बहुत ज्यादा, मैं रामायण में चौपाई निकाली, रामायण ने बोला कि तुझे जाना है, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी आ जाने का, मैंने कहा कल आप जा रहे थे, मैं गुस्से में जा रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं आना, पर रामायण ने बोला कि तुझे जाना है, ठाकुर जी ने बोला कि तुझे जाना है। इस नाम है पितर का, हमने नोट कर दिया है, लिख दिया है, इन पितर के नाम से आप खुश रहो। बस बहन खुश रहो, बहन बोलो सीताराम, साधु जी,